फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फाइनली पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक लिमिटेड पिथौरागढ़ के लिए साक्षात्कार यहां फ्रेंड इंटरव्यू की डेट आ गई है। इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिजिकल कैसा हो सकता है, जिनके फिजिकल नहीं हुए उसके लिए हमने स्पेशल वीडियो बनाए हैं। तो कृपया चैनल को विजिट करें। बार बार कमेंट आते हैं कि फिजिकल के वीडियो का लिंक दे दीजिए, इंटरव्यू के वीडियो का लिंक दीजिए। तो कृपया जो है चैनल पे विजिट करें, हमने सभी कुछ जो है डिटेल में वीडियो आपके लिए बना कर रखे हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और स्क्रीन पर एक नए यूट्यूब चैनल का यूआरएल फ्लैश कर रहा होगा तो उसको भी आप अपना प्यार देना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी कमेंट मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहे थे और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आ रहे थे कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले जो विज्ञप्ति जारी हुई थी फिजिकल की वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की ही हुई थी। हालांकि उसके बाद जितनी भी विज्ञप्तियां जारी हुई सभी ने अपना इंटरव्यू और फिजिकल की डेट अनाउंस की थी, लेकिन पिथौरागढ़ ने केवल जो है अपने फिजिकल की डेट अनाउंस की थी और इंटरव्यू की डेट अनाउंस नहीं की थी। तो फाइनली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने भी अपने जो है इंटरव्यू की डेट डिटेल में बता दी है। किस किस डेट को कौन कौन से रोल नंबर वाले जा सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं वो भी मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके काम की होगी। तो जैसे कि आपको पता है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सहयोगी गार्ड रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थियों को किए गए आवेदन पत्र के संबंधित में सूचित किया जाता है कि उक्त पदों के लिए साक्षात्कार हेतु निम्न प्रकार तिथियां निर्धारित की गई हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 27 दिसंबर, तो आपके जो इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं वो आपको 27 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। तो 27 दिसंबर को कौन कौन से रोल नंबर वालों का इंटरव्यू होगा, एक रोल नंबर से 240 तक, यानी कि जो रोल नंबर स्टार्ट होंगे वो होंगे 1 to 240। तो यहाँ से आपको आइडिया ये लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कितने हैं और कितने की आपकी फाइट है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, देहरादून, अगर इस वीडियो को आप सुन रहे हैं और आप देहरादून से हैं तो देहरादून ने अपने जो इंटरव्यू होने वाले थे उसको पोस्टपोन कर दिया है नेक्स्ट डेट के लिए। तो 24 और 26 को आई थिंक 23 और 24 को जो इंटरव्यू होने वाले थे वो पोस्टपोन कर दिए नेक्स्ट डेट के लिए। और अगले इंटरव्यू कब होंगे उसके लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना कर रखा है, तो जाइए वीडियो को देखिए। आगे बढ़ते हैं। तो 28 तारीख को जो आपके इंटरव्यू होंगे 241 से लेकर 460 तक के इंटरव्यू होंगे रोल नंबर। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो कृपया वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, नहीं तो आप फिर कॉमेंट में पूछते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कैसे लेके जाने हैं, क्या लेके जाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला जो है 29 तारीख को 461 से 750 तक, और उसके अलावा 30 तारीख को है आप देख सकते हैं 751 से 1100 तक, उसके अलावा 31 को 1101 से लेकर 1387 तक। तो सोचिए आपका कॉम्पिटिशन कितना है इस मतलब जो पिथौरागढ़ में भर्ती आई वहाँ पर 1387 कैंडिडेट्स, यहाँ फ्रेंड हाँ 1387 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो सोचिए उसी हिसाब से आप सोचिए कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है और किस तरह से आपको जो है तैयारी करके जाना है कि अधिक से अधिक जो 50 नंबर हैं, यानी कि 50 नंबर से 10 आउट ऑफ एटलीस्ट आपको तो 8 या 9 तक का स्कोर करना ही करना है। और मैंने कल ही आपको वीडियो में फिजिकल के इंटरव्यू का, जब फिजिकल का मैंने वीडियो बनाया था वहीं पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके 40 प्लस हैं या 40 की रेंज को आप टच कर रहे हैं तो मान के चलिए सिक्योर आप हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है कि अतः अभ्यर्थी साक्षात्कार है तो अपने अनुक्रमांक के अनुरूप निर्धारित तिथि को प्रातः 10 बजे से कहाँ पर जाना है, पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक लिमिटेड पिथौरागढ़
प्रधान कार्यालय बैंक रोड पिथौरागढ़ में उपस्थित हो। यानी कि आपका जो इंटरव्यू होगा कहाँ पर होगा, पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक लिमिटेड पिथौरागढ़ के प्रधान कार्यालय में होगा। तो आप ये एड्रेस नोट कर लें और जल्दी जल्दी से कोशिश करें कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी दूरी है और किस डेट को आपका जो है इंटरव्यू है। ये मैंने टोटल आपको यहाँ पर जो है बता दिया है कि 27 तारीख से लेकर जो है 31 तारीख तक 4 दिनों में लगभग 1300 कैंडिडेट, 1300 क्या 1400 मान के चलिए अप्रॉक्सिमेट 1400 कैंडिडेट के एग्जाम इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। और इंटरव्यू मैं आपको बता दूँ यहाँ पर फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको यहाँ पे बता दूँ, फिलहाल आप जो है इंटरव्यू की अच्छी से तैयारी करिए। और जिन कैंडिडेट का इंटरव्यू हो गया है, मैं आपको बता दूं, जिन कैंडिडेट का इंटरव्यू हो गया है उन कैंडिडेट से हमारी बात हुई है, तो वहां पर उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू काफी इजी तरीके से लिया जा रहा है, ओनली फॉर्मल वे में। तो इतना ज्यादा टफ नहीं है इंटरव्यू में, आपको थोड़ी सी तैयारी करके जानी है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का और इधर उधर का होना चाहिए। इतना हाई लेवल इंटरव्यू इसका नहीं होने वाला है क्योंकि ये ग्रुप डी की है, ऑलरेडी इसकी जो क्वालिफिकेशन है 10th रखी गई। हालांकि कई कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म भी भरे होंगे हायर क्वालिफिकेशन के, तो उतना लेवल इसका हाई नहीं है। लेकिन जिन जिन कैंडिडेट का इंटरव्यू हो गया है और जिनसे मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि इंटरव्यू काफ़ी सिंपल तरीके से और काफ़ी इजी वे से हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको काफ़ी आसानी से ले लें। और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके लिए भी हमने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए प्रवेश पत्र पंजीकृत डाक से भेज दिए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि हमारा तो आया नहीं, ये नहीं आया, तो उसके लिए भी इन्होंने साफ साफ बता के रखा है कि जिन अभ्यर्थियों को डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं आते हैं उनको अभ्यर्थी बैंक मुख्यालय में प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जिन कैंडिडेट के आ गए हैं उनके तो एक तो सारी डीसीबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट काम कर रही है, लेकिन पिथौरागढ़ ही एक ऐसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है जिसका ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। हालांकि इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट डीसीबी पिथौरागढ़ दे के रखा है, लेकिन उसको आप ओपन करेंगे तो आपको कहीं और रिडायरेक्ट करेगा। तो आप जो है वेबसाइट के चक्कर में ना पड़े। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, यहां पर उन्होंने साफ साफ कहा अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो उसी दिन या फिर आप हो सकता है एक दिन पहले भी जाए, मान लीजिए आपका इंटरव्यू 28 को है तो आप 27 को जाके एडमिट कार्ड ले सकते हैं, यानी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपका हो गया साफ साफ, क्योंकि मैं जान रहा हूं अक्सर ये पॉइंट जो है कमेंट बॉक्स में आएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा साक्षात्कार में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए की गई मूल यात्रा पर अभ्यर्थियों को कोई मार्ग में दे नहीं होगा, यानी कि आपको TDA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। और अभ्यर्थी को क्या क्या लेके आना है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है वीडियो के सेक्शन का, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए। यानी कि कौन कौन से, आपकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, शैक्षिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट हैं जो जो आपने उस फॉर्म में अटैच किए हैं वो लेके जाइएगा। उसके अलावा आयु प्रमाण पत्र अगर आपने उसमें लिखा होगा तो, उसके अलावा अनुभव अगर आपके पास होगा तो, उसके अलावा स्थायी निवास, उसके अलावा आर्थिक अगर आपने EWS का फॉर्म भरा होगा तो, उसके अलावा और उसके अलावा अगर आपने भूतपूर्व सैनिक और उसके अलावा उत्तराखंड अनाथ और उसके अलावा खेल प्रमाण पत्र, यानी कि ये 9 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लेके जाने हैं। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे ये तो हमारे पास नहीं है, ये तो हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से ले हैं, तो मैं आपको बता दूँ इनमें से मतलब ये 9 डॉक्यूमेंट्स जो है मैंडेटरी करके रखे हैं कि ये जो फॉर्म के टाइम पे इन्होंने वहाँ पर लिखे थे कि ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इनमें से आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना है। मेनली आपके पास क्या हो सकता है, शैक्षिक योग्यता, आयु वाला, अनुभव अगर आपका हो, उसके अलावा स्थायी निवास तो होगा ही, उसके अलावा EWS तो होगा, भूतपूर्व सैनिक का होगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, उत्तराखंड अनाथ अगर आपके होंगे तो नहीं, मैक्सिमम तो लगभग 5 डॉक्यूमेंट तो आपको लेके ही जाने हैं जो आपके पास होने चाहिए। बाकी 4 आपके पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अन्य वांछित प्रमाण
पत्रों की मूल प्रतियां भी साथ मिलाए। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे हम ओरिजिनल ले जा सकते हैं या नहीं ले सकते। यहाँ भाई साहब साफ साफ लिखा है कि इंटरव्यू के समय आपको ओरिजिनल प्लस जेरोक्स दोनों चीज लेके जानी है। उसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे एक कमेंट में आज मैं देख रहा था कि हमें कोवैक्सीन कोविडशील्ड हमने लगाई उसका सर्टिफिकेट ले जाना है कि आरटीपीसीआर। यार साफ साफ लिखा गया और हर वीडियो में ये चीज़ बताई गई है कि जिन अभ्यर्थियों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है वो उक्त संबंधी प्रमाण पत्र ले जाएं। यानी कि अगर आपने कोविड को वैक्सीन कोविड की कोई भी जो है दोनों डोज लगा दी है तो उसकी आपको सर्टिफिकेट लेके जानी है। अगर दोनों में से नहीं लगी है तो आरटीपीसीआर लेके जाना है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर उन्होंने साफ से लगा उसके अलावा 72 घंटे पूर्व कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट आपको लाना बहुत जरूरी है। सचिव महाप्रबंधक पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक लिमिटेड पिथौरागढ़। तो फ्रेंड्स ये रही सारी डिटेल जहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपका इंटरव्यू है, कितने रोल नंबर से कितने रोल नंबर तक जो है किस डेट को है, उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं और क्या क्या इंटरव्यू में आ सकता है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। उसके अलावा कोई भी आपके पास डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके अलावा आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर फिर भी बहुत ज़्यादा आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कर सकते हैं। हालाँकि मैंने पूरे क्वेश्चंस कवर करने की पूरी कोशिश की है इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आप आराम से देखें। अगर आपके समझ में नहीं आया तो इसको रिवर्ट करके देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर मिलती रहती हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।